वेलकम टू MS Infotech। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोल्टेज डिवाइडर लैपटॉप में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक वोल्टेज डिवाइडर बना लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं ये कैसे काम करता है। यह है हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर का मेन काम होता है जो बड़ा वोल्टेज होता है उसको छोटे में कन्वर्ट करके आउटपुट करना। तो चलिए मैं अभी एग्जांपल के लिए मैंने वोल्टेज डिवाइडर बनाया है और मैं यहाँ पे वी इन पे 19 वोल्ट डालता हूँ, यहाँ पे 19 वोल्ट, यहाँ पे R1 पे 100 किलो और R2 पे 158। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है R1 हमेशा वोल्टिन रहता है और R2 हमेशा ग्राउंड रहता है और जो यहाँ से निकल रहा है वो आउटपुट रहेगा हमेशा। ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है, वी आउट बराबर होता है वी इन गुने R2 बटा R1 प्लस R2 का। क्या कैलकुलेशन है इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं हमारा कितना वोल्ट आउटपुट निकलेगा। वी आउट हमारा वोल्टिन कितना है 19 वोल्ट, 19 वोल्ट गुने R2 हमारा कितना है, R2 हमारा है 158। R1 कितना है हमारा 100, R2 कितना है 158। ये हमारा हो गया जो भी इन 19 वोल्ट R1 का मान है 100 और R2 को माने 158। अभी इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, 19 और 158 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3002 बटा 158, 100 प्लस 158 ये हो जाएगा 258, ये हमारा हो जाएगा 258। और 258 से 3002 में भागा करेंगे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है 11.635 आउटपुट मिलेगा अपने को। ये हो गया हमारा 11.635 आउटपुट वोल्टेज मिला अपने को। चलिए एग्जांपल के लिए लैपटॉप में जो सर्किट रहता है इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्मॉल वोल्टेज करके आउटपुट करते हैं। तो चलिए वहाँ पे ले के चलता हूँ। ये रहा चार्जिंग आईसी में वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, सेम एग्जांपल मैंने आपको वहाँ पे बताया है तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। R1 पे हमेशा V1 यानी कि वोल्टेज इन होता है तो यहाँ पे 19 वोल्ट इन हो रहा है और ये R2 हमेशा ग्राउंड है जो मैंने आपको बताया वीडियो में, R2 हमेशा ग्राउंड रहता है और ये यहाँ पे 19 वोल्ट इन हो रहा है और ये R1 है और ये R2 है। तो इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से
11.635। इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर हमारा लैपटॉप में काम करता है। एग्जांपल के लिए चाहिए तो और भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी इन 5 वोल्ट कर देते हैं और यहाँ पे 100 ही रहने देते हैं, 100 किलो और 158 किलो, और इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारा क्या होगा। पहले इसका एक बार लिख लेते हैं हम, V out बराबर हमारा हो जाएगा V in कितना है, 5 वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट हो गया गुने R2 यानी कि 158 बटा 100 R1 प्लस R2 100 प्लस 158। अभी कितना होगा इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। 158 गुने 5 इसका हो जाएगा 790 यानी कि 790 भागा 258 258। और इसका भाग देंगे 258 से, 790 भागा 258 तो हमारा कितना आएगा, 3.06 वोल्टेज आउटपुट होगा। इसी तरह से वोल्टेज डिवाइडर लैपटॉप में जो ज़्यादा वोल्टेज रहता है उसको स्मॉल करके आउटपुट करते हैं। तो ये वोल्टेज डिवाइडर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लैपटॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।